आज हम आपको ऐसे भिखारी से मिलाते हैं जो करोड़पति है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसा भिखारी जिसका 1,40,00,000 रुपए का फ्लैट है, वो भी मुंबई में, और उसके अलावा उसकी कई और प्रॉपर्टीज है। मैं बता दूं कि एक खबर के मुताबिक, जो आज सबसे ज्यादा जो है वो एक खबर जो वो ट्रेंडिंग में है, एक भिखारी है जिसके पास फ्लैट्स है, शॉप्स है वर्थ करोड़, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो भीख मांगता है। और अगर आप उसकी इनकम के बारे में जानेंगे तो शायद आप भी जो है वो हैरान हो जाएंगे। एक भिखारी जो मुंबई में रहता है, उसके पास जो है वो करोड़ों रुपए की जो है वो प्रॉपर्टी है, और मंथली इनकम जो है वो एक ऐसे शख्स से जो पढ़ा लिखा नौजवान है उससे भी ज्यादा है। जी हाँ, ये खबर है उस भिखारी की जिसका नाम है भारत जैन, जो कि बताया जा रहा है वर्ल्ड रिचेस्ट बैगर जो है भिखारी है, और इसके बावजूद भी जो है वो जैन जो है उसके पास जो है वो फ्लैट है मुंबई में, दो शॉप्स है थाने में, और इसके अलावा जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी कीमत जो है वो 7.5 करोड़ के करीब जो है वो जो एज पर रिपोर्ट है। लेकिन फिर भी जो है वो जो भारत जैन है वो फिर भी जो है वो भीख मांगता हुआ जो है मुंबई की सड़कों पर आपको दिखाई देगा। जो जैन है उसने ये प्रॉपर्टी जो है वो जो भीख मांग मांग कर जो है वो जमा की है, और मैं बता दूं कि जो ये उसकी जो मंथली इनकम है वो बताई जा रही है 60,000 से 75,000 रुपये के करीब जो है उसकी मंथली इनकम है, जो कि एक प्रोफेशनल जो कंट्रीज में काम हमारे मुल्क में काम करते हैं उनसे भी ज्यादा है। और जो मैं बता दूं कि जो इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक जो जैन था उसने जो है वो फॉर्मल एजुकेशन से जो है वो उसको नहीं लगा कि इंस्टेबिलिटी होगी, इसलिए जो है उसने बैगिंग को जो है वो अपना एक प्रोफेशन बनाया सर्वाइवल के लिए, और उसने जो है मुंबई का जो आज़ाद मैदान है और छत्रपति शिवाजी महाराज जो है टर्मिनस है रेलवे स्टेशन, वहां पर जो है वो भीख मांगना जो है वो शुरू किया, और आज भी जो है ये उस एरिया में जो है वो भीख मांगता जो है वो दिखाई देगा। और बताया जाता है कि जो जैन है वो जो है 2,000 से 2,500 रुपए जो है वो एवरेजन डेली जो है वो जमा करता था, और दिन के जो है वो 10 से 12 घंटे जो है वो भीख मांगने में जो है वो लगाता था। और इसके लिए बताया जा रहा है कि इस भीख के से जो है उसने 2 बेडरूम वाला फ्लैट जो मुंबई में है इसके पास उसकी कीमत जो है 1.40 करोड़ रुपए है। इसके अलावा इसके पास दो शॉप है थाने में जहां पर मंथली रेंट जो है वो 30,000 रुपये जो है वो जमा जो है वो होता है। जैन जो है वो उसके साथ उसकी बीवी, दो बच्चे, भाई और बाप भी जो है वो रहता है, और इसके अलावा उसके पास जो है वो एक BHK डुप्लेक्स अपार्टमेंट भी है पार्ले में, और उसके जो बच्चे हैं अच्छे स्कूल से जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ का, मुंबई का जो मशहूर कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ से जो है इसके बच्चे दो जो है वो भी जो है वो पढ़ाई जो है वो हासिल कर रहे हैं। जो बताया जा रहा है कि जो इतने पैसे होने के बावजूद भी जो जैन की फैमिली है वो इसके अलावा जो है वो स्टेशनरी शॉप भी चलाती है, और उन्होंने जो है वो इससे रिक्वेस्ट भी की है कि अब इनके पास बहुत कुछ है, इसको चाहिए कि अब वो बैगिंग ना करें, लेकिन जो जैन है वो आदत से मजबूर है और वो आज भी जो है वो बैगिंग को जो है वो सेफ जो है वो मानता है, और आज भी जो है वो बैगिंग में जो है वो मुलाविस। मैं बता दूं कि किश्तवाड़ में भी जो है वो 15-20 साल पहले एक ऐसा शख्स आया था, वो भीख मांगता था और उसकी टांगे जो है वो छोटी छोटी थी, और यहाँ पर जो है वो आपको याद भी होगा अगर कुछ नौजवान जो है वो आज अब जो है वो माँ बाप भी बन चुके होंगे, वो शख्स जो है वो बताता था या अल्लाह कह रात, लोग जो है उसको पैसे देते थे, और हमारे मनचले लड़के जो है वो उसको कभी कभार मजाक में भी जो है वो बोलते थे कि पहले आप बोलो कि या अल्लाह चकाट, यानी कि चकाट मीन्स के दो तरह की होती है, एक लकड़ी की होती है जो घरों में लगती है जो मेरे पीछे, दूसरा खूबसूरत लड़की को जो है वो किश्तवाड़ में जो है वो चकाट कहा जाता है, यानी कि जो खूबसूरत, तो वो जो मनचले लड़के थे उसको जो है वो पैसे देकर जो है वो बतवाते थे। लेकिन बाद में पता चला कि वो शख्स भी जो है वो करोड़पति निकला, और उसका जम्मू के जो पॉश एरियाज है वहां पर जो है वो उसकी प्रॉपर्टी थी, और इसके अलावा उसके जो बच्चे हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सेटल थे।
जो बैगिंग है वो आजकल एक धंधा बन चुका है, और किश्तवाड़ में भी जो है वो काफी भिखारी हैं। मेरे लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले उनके बारे में पूछें और फिर जाकर जो है वो उनको जो है वो पैसे दे। और मैं इस पर जो है वो एक अलायदा स्प्रेड अपडेट दूंगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।